नमस्कार दोस्तों, आगरा की रसोई में मैं वर्षा वर्मा आपके लिए लेके आई हूँ टिंडे के पराठे। इससे पहले मैंने आपके लिए लौकी के पराठे की रेसिपी शेयर की थी, तो आप सभी ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टिंडे के हेल्दी पराठे। तो बनाना बहुत आसान है, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। टिंडे के पराठे बनाने के लिए 250 ग्राम लिए हैं मैंने ये टिंडे, तो इसको छील के अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे, तो बड़े साइज़ की तरफ से इस तरह से इसे कद्दूकस कर लेते हैं। सारे टिंडे हमने कद्दूकस कर लिए हैं। अब 1 इंच अदरक लेंगे, तो इसे भी हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च डाल देते हैं, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ इसे डाल लेंगे, और 2-3 चम्मच हरा धनिया पत्ती, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच अजवाइन, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, 2 कप गेहूं का आटा डाल लेंगे। आटे को सभी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर हमें लगेगा कि आटा थोड़ा कम है तो थोड़ा सा आटा और ऐड कर लेंगे। तो अभी मैं सिर्फ 2 कप आटा ही इसमें ऐड किया है। आटे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो थोड़ा सूखा लग रहा है, तो थोड़े पानी के इस तरह से हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लेंगे, और पानी की सहायता से इसे हम आटा गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पराठे के लिए आटा हमारा तैयार है, तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसकी एक बड़ी लोई बना लेंगे। तो जो नॉर्मल पराठा बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी लोई बनानी है, तो सूखा आटा लगा के देखिए लोई हमारी रेडी हो गई। फिर से सूखा आटा लगाएंगे और इसे हम बेल लेते हैं चकले पर। बेलने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, तो पूरे पराठे पे अच्छे से फैला देते हैं। अब इसे हम चौकोर पराठा बनाएंगे, तो आपको इस तरह से इसको फोल्ड करना है। इधर जो सूखा है इधर भी थोड़ा तेल लगा लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा तेल लगाकर इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमारा चौकोर पराठे की लोई बनके तैयार हो गई है। तो सूखा आटा लगा लेते हैं, और सूखा आटा लगाकर इसे हम बेल लेंगे। तो हमें इसे चौकोर बेलना है जिससे इसकी शेप ख़राब ना हो। तो पराठा हमारा बेल चुका है, तो इसे तवे पे डाल देंगे। तवा हमने पहले ही गरम कर लिया था, तो इसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे जिससे पराठा हमारा अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। जैसे ही पराठा सिकता है एक साइड से, तो इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसे सिकने देते हैं। पराठा हमारा देखिए पीछे से भी सिक गया है, तो इसे फिर से पलट लेते हैं और दोनों साइड इसके तेल लगा देंगे, और अलटते पलटते उसे हम गोल्डन क्रिस्पी करारा होने तक सेक लेंगे। पराठा देखिए हमारा अच्छे से सिक चुका है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के पराठे भी इसी तरह से सेक लेंगे।